Sri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से, और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है इसके पहले जो हमने पढ़ा था 1861 और 1892 का अधिनियम, उसके अंदर ही उसके बाद ही जो था 1909 का अधिनियम जो था, जो कि भारत परिषद अधिनियम था, उसके बारे में आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस अधिनियम को ये जान लीजिए, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी आप जानते होंगे इस अधिनियम को। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आधुनिक भारत का इतिहास मिल जाएगा, उसकी पूरी सीरीज़ वो देख लीजिएगा, तभी आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ पाएगा। और इससे पहले जितने भी एक्ट आए हैं स्वतंत्रता से पहले, वो मतलब 1909 से पहले, वो आप देख लीजिएगा, और इसके बाद जो एक्ट है वो भी इसके बाद हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, मैंने आपको बता ही दिया। अब इसमें क्या क्या इसकी विशेषताएं थी वो हम ध्यान से देखेंगे। इसके पहले जो दोनों थे 1861 और 1892, उनकी जो विशेषताएं थी आपको मालूम है उसकी, तो उसके बाद ये अच्छे समझ में आ जाएगा। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की, जो है केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में इसने वृद्धि की। तो केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या जो है 16 से 60 हो गई, और प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या को बढ़ा दिया गया, एक समान नहीं रही और बढ़ा दिया गया इनकी संख्या को। उसे देखिए, इसने इस अधिनियम ने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में जो प्रांतीय राज्य वाले परिषद थे उनमें गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। इसके पहले हमने आपको बताया था कि 1892 वाले एक्ट में उसमें क्या था, केंद्रीय हो या प्रांतीय परिषद हो, उसमें जो है गैर सरकारी सदस्य की संख्या तो बढ़ाई गई थी, मगर वो क्या थे, बहुमत के में नहीं थे, वो केवल सरकारी जो सदस्य थे वो बहुमत में थे। मगर अब इस अधिनियम के तहत ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की अनुमति थी। उसके बाद देखिए, इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। इसने क्या किया, इस अधिनियम ने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। दोनों स्तरों मतलब केंद्रीय परिषद और आपका प्रांतीय विधान परिषद, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि। उसके बाद देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वैसे पहले भारतीय का नाम आपको याद होना चाहिए, तो ऐसे पहले भारतीय जो है वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। देख लीजिए, लिख लीजिए इसको। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, उन्हें कानून सदस्य बनाया गया, कानून निर्माण करने वाले उसमें सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया, ठीक है। जो मुस्लिम समाज के वो थे उनके लिए एक पृथक निर्वाचन आयोग बनाया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव जो है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। जो मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव है केवल मुस्लिम लोग ही करेंगे। और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जा गया। तो यही है लॉर्ड मिंटो जिसने ये सब किया। तो लॉर्ड मिंटो जो है उस समय जो है वायसराय था, लॉर्ड मिंटो उस समय वायसराय था। हमने आपको बताया जैसे कि 1909 का जो अधिनियम है मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं, तो मिंटो तो हो गया वायसराय, तो मार्ले कौन था, तो जो लॉर्ड मार्ले था ना, ये इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव था, ठीक है। भारत का राज्य सचिव था इंग्लैंड में मार्ले। एक्चुअली ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय है, ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय सेकंड है। जब हमने आपको वायसराय के बारे में बताया था, हमने आपको ये भी बताया था कि जो लॉर्ड मिंटो द्वितीय का टाइम था, इसी के टाइम पर जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसी के टाइम पर। कब हुई थी, 1906 में हुई थी, ठीक है।
अब देखिए उसके बाद इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया, इनके लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। तो ये सब था 1909 के अधिनियम के तहत। इसके बाद हम आपको बताएंगे 1919 का अधिनियम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्ट ये है। और 1919 के एक्ट के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट 1935 का एक्ट है, भारत शासन अधिनियम, जो हमारे भारतीय संविधान का जो मेन स्रोत है वो 1935 का जो है शासन अधिनियम है। आपको अगर इंडियन पॉलिटी पढ़नी है ना, इंडियन पॉलिटी पूरी डिटेल में पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले जितने भी एक्ट हैं स्वतंत्रता से पहले वो आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान का जो विकास है उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है, तभी आपको पूरा भारतीय संविधान जो है अच्छे समझ में आएगा और एग्ज़ाम भी में इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं अपने दूसरे चैनल पर, जो कि इसका नाम एग्ज़ाम टिप्स नाम है जिसका, वहाँ पे हम आपको इंडियन पॉलिटी पूरी डिटेल में बताएंगे, वो जल्दी ही जल्दी शुरू होने वाला है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको लाइक कीजिएगा, इसके बाद वीडियो देखना ना भूलिएगा। 1919 का जो अधिनियम है वो हम पूरी आपको डिटेल में बताएंगे। तो स्क्रीन पर चार वीडियो जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।